जय साई राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम आपको साईं बाबा के चमत्कार की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी दिल्ली के रहने वाली 10 साल की बच्ची आरती की है। आरती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वे उसे बड़े लाड और प्यार से रखते थे। उसके माता पिता शिरडी वाले साईं बाबा के बहुत ही बड़े भक्त थे और उन्होंने अपने घर में शिरडी वाले साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की थी और वे लोग रोज प्रतिदिन उनका श्रृंगार पूजा और सेवा किया करते थे और आरती भी अपने माता पिता को देखकर उनके साथ भी सुबह शाम आरती श्रृंगार और पूजा पाठ किया करती थी। उसके कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए वे अपने भगवान से ही सारी अपनी मन की बात किया करती थी और उन्हें अपना प्यारा दोस्त समझकर उन्हें प्यार से पुकारती थी। आरती के पिता एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। अपने भगवान और इष्ट देव की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन आरती के चाचा जी ने उनके पिताजी को फोन करके कहा कि उनकी माताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, आप जितना जल्दी हो सके घर आ जाएं। ये सुनकर उसके पिताजी ने अगले ही दिन की फ्लाइट की टिकट बुक करा दी। उन्होंने 2-3 दिनों के लिए अपनी बेटी आरती को नानी के पास छोड़ने का फैसला किया और अगले दिन आरती की नानी उसके पास रहने के लिए आ गई। उसके माता पिता ने अपने भगवान का आशीर्वाद लिया और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल पड़े। आरती का किसी चीज में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वे अपने दोस्त भगवान जी के पास जाकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद आरती के मामा जी ने अपनी माँ को फोन किया और बताया कि दीदी और जीजा जी जिस फ्लाइट से गए थे वो क्रैश हो गया है और उसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। ये सुनकर उसकी नानी बहुत घबरा गई। उन्होंने उन दोनों को फोन लगाया लेकिन फोन बंद था और फिर आरती की नानी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें रोता हुआ देखकर आरती ने पूछा कि आखिर क्या हुआ नानी जी, आप इतना क्यों रो रही हो। नानी ने कहा, बेटा प्लेन क्रैश हो गया है। ये सुनकर आरती को विश्वास नहीं हुआ और वह दौड़कर अपने साईं बाबा के पास गई। बाबा ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे मम्मी पापा को जल्दी से सही सलामत घर भेज दो। जब तक मेरे मम्मी पापा वापस नहीं आ जाते मैं यहीं पर बैठी रहूंगी, ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। ऐसा कहकर वो बच्ची जोर जोर से वहाँ पर रोने लगी। उसकी नानी ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। थोड़ी देर बाद अचानक उसके घर का दरवाजा बजा, घंटी बजी, जिसे सुनकर नानी ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि उसके मम्मी पापा सही सलामत खड़े हुए थे। ये देखकर उसके नानी के होश उड़ गए। आरती दौड़ते हुए आई और अपनी मम्मी पापा को दौड़कर गले लगा ली और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। उसकी नानी ने उससे पूछा, बेटा तुम लोग लौट कर वापस कैसे आ गए। उसने कहा, मम्मा एयरपोर्ट जाते समय हमारी गाड़ी के सामने एक गाय आ गई और हमारी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, जिसे बचाने के चक्कर में और हम दोनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद कुछ लोगों ने आकर हमें गाड़ी से बाहर निकाला। हमारी गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी लेकिन प्रभु की कृपा से हमें एक खरोच भी नहीं आई। लेकिन इन सभी के वजह से हमारी फ्लाइट छूट गई और हम घर वापस आ गए। आरती बोली, मम्मा अच्छा हुआ आपकी फ्लाइट छूट गई। जिस फ्लाइट से आपको जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया है, आज मेरे साईं बाबा ने आपको बचा लिया। ये सुनकर उसके माता पिता प्रभु के चरणों में जाकर बैठ गए और बोले, भगवान आज आपने हमारी जान बचा ली, हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया। भक्तों
कभी कभी जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम यही सोचते हैं कि ईश्वर ने आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन ईश्वर अकारण कुछ भी नहीं करते, वे जो करते हैं उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। कभी कभी छोटी मोटी परेशानियों में घेर कर वे हमें बड़ी से बड़ी मुश्किलों और समस्याओं से बचा रहे होते हैं। इसलिए हमें सदैव भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें कभी दोष नहीं देना चाहिए। भक्तों, आपको ये सत्य कहानी कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम।